हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। गाइस, आज आपके सामने हम पहली बार शालीमार बाग आए हैं और ये जो जगह है चकना, ये तंदूरी स्पेशल आइटम्स के लिए बहुत फेमस है। ये हमें रिकमेंड करी है मुस्कान शर्मा जी ने, जो कि हमारी काफ़ी पहले से सब्सक्राइबर है। तो उन्होंने कहा कि चकना की आप भाई चीज़ें आप ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ की चीज़ें बहुत पसंद आने वाली हैं। तो हम आ चुके हैं चकना के कार्ट पे। यहाँ पे आपको सिर्फ वेजिटेरियन मिलने वाला है, सबसे बड़ी बात। शवरमा आप देखते हैं गाइस, शवरमा आप जब ढूंढते हैं पूरी दिल्ली में, कहीं भी ढूंढेंगे तो मोस्टली आपको वेज मिल जाएगा, लेकिन साथ में नॉन वेज भी मिलता है। यहाँ पर आपको प्योर वेज शवरमा मिलने वाला है, सारी चीज़ें प्योर वेजिटेरियन है। एड्रेस मैं आपको बताऊँ तो शालीमार बाग, ये इनका एक मेन्यू है, आप एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। BF ब्लॉक नियर चिल्ड्रंस पार्क, शालीमार बाग। ये सारे आइटम्स हैं यहाँ पे, होम डिलीवरी भी है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और आइए आपको सारी मेकिंग के साथ आपके मुंह में पानी लाते हैं। आइए। तो गाइस, यहाँ पे चाप्स और सारे आइटम्स लगे हुए हैं, वाइट वाले अफगानी हैं, उसके बाद येलो में ही लेमन वाले या चारी वगैरह इसी में बनेगा, फिर पनीर टिक्का, उसके बाद आता है तो मशरूम, फिर आता है भाई बड़े साइज़ के मोमोज जो कि पनीर और सोया के हैं। सिर्फ वेज मोमोज यहाँ नहीं होंगे, सिर्फ पनीर और सोया वाले हैं, ठीक है। और ये कट रहे और यहाँ पे किसी का मशरूम ग्रेवी बन रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या कहा कि आप एक बार ग्रेवी भर दीजिए, तो सर ने कहा हम बिल्कुल ही नई ग्रेवी तैयार करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते कि बहुत सारी ग्रेवी भर के वही पके जा रही है, बिल्कुल फ्रेश आपके सामने बनेगा, जैसे आपको ग्रेवी चाहिए वैसा बनेगा। तो चलिए भाई, अब आपको हम अपनी प्लेट लगवाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो गाइस, हमने तीन आइटम्स आपके लिए लिए हैं। पहले हमारे मोमोज जाएंगे तंदूर में, लगा दीजिए सर, हाफ में एक स्टिक जाएगी सर, ठीक है। यहाँ के स्पेशल अफगानी मोमोज जो कि पहले तंदूर में जाएंगे, उसके बाद क्रीम में जाएंगे। आइए आपको बाकी आइटम दिखाते हैं। तो गाइस, इधर हमारी ग्रेवी बन रही है, सर ने बटर डाली, क्रीम डाली और चाट मसाला डाल दिया, और ये ऊपर कैसे मेयोनीज, ओके। ये मोमोज वाली तीखी चटनी है, अच्छा अच्छा। तो यहाँ आ चुके हमारे मोमोज जो कि अब ग्रेवी में डालेंगे। हमने हाफ प्लेट लिया और हाफ प्लेट किसी और की लग रही है। हाफ प्लेट में आपको 6 पीस मिलने वाले हैं, 60 रुपीस की ये प्लेट है तंदूरी वाली, अफगानी आपको 70 रुपीस की बनने वाली है। तो सर इसमें तो बस यही होगा ना, ओके। अब डायरेक्ट सर्व होंगे और ऊपर कुछ करते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह कैसी? नहीं नहीं कुछ नहीं, सिंपल डाल देते हैं, ओके। तो चलिए, जब ये रेडी होते हैं पूरी प्लेट दिखाते हैं आपको। तो भाई, मलाई चाप और हमारा पनीर टिक्का आ चुका है, जो शवरमा बनेगा हमारा पनीर वाला, जिससे तो मलाई चाप में भी सर ग्रेवी वगैरह ऐड करते हैं? हाँ, वही क्रीम बटर ही होता है। अच्छा अच्छा, मतलब अफगानी चाप मलाई चाप वही है कि? गाड़ी में ही है, सारा करते हैं। क्रीम बटर, वैसे अफगानी भी, आप अफगान में सच में ऐसे बनते हैं? पता नहीं, किसी को भी नहीं पता ना। क्रीम डाल दी तो अफगानी बन जाते हैं, कई बार मैंने देखा है सर। क्रीम का ही होता है अफगानी का, अच्छा का ही होता है। अच्छा, क्रीम और बटर का कॉम्बिनेशन ही अफगानी है। अच्छा, सही है। अफगानी चिकन जैसे आपने खाया तो अफगानी चिकन में वही है ना, क्रीम और बटर होती है। सर वेजिटेरियन नहीं है तभी आपके पास आए, क्योंकि यहाँ हर शवरमा एक्चुअली है काफ़ी जगह, लेकिन साथ में फिर नॉनवेज शवरमा भी रखते हैं, क्योंकि आइटम ही थोड़ी नॉनवेज वाली है। ठीक है, तो हो गया। ठीक है सर, अब पनीर शवरमा ही बना दिया हमारा, और यहाँ हमारा शवरमा बनेगा, ओके सर। तो ये बिल्कुल एक, ये तो बहुत बारीकी से कटेगा ना। आज का शवरमा काफ़ी फेमस हो रहा है, वैसे पहले इतना नहीं था। जो है ना, सारी वेज नॉन वेज वाले आइटम्स सब वेज में मिलते हैं। हाँ, सही बात है। और सोया की जो बिक्री अब बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। ये हो चुका हमारा अच्छी तरह चॉप, इसमें भी क्रीम बटर और नींबू धनिया, ये चाट मसाला है, ओके। ये मेयोनीज एगलेस ही ना सर, सारा ओके। हाँ बढ़िया, देख लिया। सही है। प्याज स्पाइसी करना है क्या? स्पाइसी हाँ नॉर्मल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई, रुमाली रोटी हमारी रेडी है,
सर ने कहा हाफ प्लेट में आपको दो पीस मिलने वाला है जिसमें डेढ़ डेढ़ रोटी की होगी रुमाली रोटी के लिए। ओके सही लग रहा है काफ़ी, रेट मुझे बहुत सही लगे हैं शॉर्मा वगैरह के हिसाब से देखा जाए तो। एक बार दोबारा मेन्यू देखना पड़ेगा एक्चुअली, मैं भूल भी गया मेन्यू को क्योंकि चीज़ें इतनी यमी लग रही है। ये आ गया भाई रोल, तो तीनों चीज़ें हमारी रेडी हैं, शॉर्मा हमारे तंदूर में बिल्कुल सिक चुके हैं और अब बाहर आ गए और योगी कटिंग, और ये दो प्लेट ले रखे हमने किसी और की है। चलिए आइए अब तीनों चीज़ें आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो भाई हमारे तीनों आइटम्स आ चुके हैं, स्टार्टिंग हम चाप से करते हैं। 80 रुपीज़ के हमें हाफ पड़ेगा इस, ये अफगानी चाप है यहाँ की, या अब वो मलाई चाप भी कह सकते हैं इसको, एक ही चीज़ लगी मुझे। शॉर्मा हाफ लिया हमने, मुझे लगा था एक रोल आएगा बट दो रोल हैं, 130 रुपीज़ के पड़ने वाले हैं। और फिर आते हैं मोमोज, 60 रुपीज़ के 6 पीस है। रेट मैंने आपको क्यों सही कहा, क्योंकि शालीमार बाग में मैंने घुमा हूँ मार्केट में, तो मुझे यहाँ का रेट थोड़ा सा हाई लग रहा है हर चीज़ में, तो उस हिसाब से मैंने कहा कि रेट मुझे आके ठीक लगे। स्टार्ट करते हैं शॉर्मा से, मेकिंग की बात करूँ मैं, अभी तक मैं इतना तो इम्प्रेस नहीं हुआ कि कुछ बहुत ही स्पेशल हुआ हो मेकिंग में, बट देखते हैं, मुझे लग रहा है नॉर्मल सा टेस्ट आने वाला है जैसा कि हर जगह आपको मिलता है। ओके क्रीमी ज़्यादा है, पनीर काफ़ी सॉफ्ट है और एक्चुअली स्पाइसेस इसमें बहुत कम लग रहे हैं मुझे, इसलिए मुझे लग रहा है कि स्पाइसी लोग ज़्यादा करवाते हैं यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल में भी आपको थोड़े से अंडर मिलने वाले हैं। तो मैं एक बारी ट्राई करता हूँ चटनी के साथ में, चटनी प्याज और थोड़ा लेता हूँ लाल चटनी साथ। अलग अलग डालियो भाई दोनों, साफ अलग करी हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा बट जैसा कि मैंने आपको कहा मेकिंग में थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि खाने में कितना दम है, नॉर्मल शॉर्मा के हिसाब से बहुत सही है। कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि भाई आप शालीमार बाग आएँ तो सिर्फ इसी के लिए आएँ, बट हाँ एक नॉर्मल शॉर्मा में आपको अच्छा लगने वाला है, टेस्ट में कुछ कमी नहीं लगने वाली, बात यह है। बट इट्स गुड, जूसी है काफ़ी, दोनों ही चटनी अलग अलग फ्लेवर आपको मिलने वाले हैं दोनों ही चटनी से, तो आप दोनों ही चटनी लीजिएगा। रेड सॉस के साथ मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। आइए चाप पे आते हैं, चाप लेते हैं, सॉफ्ट चाप, चाप सॉफ्ट है और थोड़े से जो नींबू का जायका है वो इसको मेन टच दे रहा है, बाकी क्रीमी है जो क्रीम देती है, लेकिन मेन जो जायका नींबू का ही आ रहा है। आइए तीसरा आइटम को ट्राई करते हैं, मोमोस, जो कि मुझे देखने में सबसे बढ़िया लग रहे थे यहाँ पे, क्योंकि साइज़ में भी काफ़ी बड़े थे। ये देखिए भाई सॉफ्ट लग रहे हैं, मुझे लगा थोड़े से हार्ड होंगे। ओ भाई बहुत बड़े पीस हैं भाई, बहुत बड़े पीस हैं मोमोज के तो
कैमरे में तो ऑब्वियसली मैं खोलूंगा वो थोड़ा सा अजीब लुक देगा, बट आप इसे थोड़ा छोटा करके खाएगा, एक बाइट में मत खाइएगा, पूरे भर रखे अंदर से सोया और पनीर से। बट हाँ, टेस्ट अच्छा है, तीनों का चीज़ होगा, तीनों ही चीज़ें आपको बहुत सही लगने वाली है। ये एक अच्छी रिकमेंडेशन थी, कोई भी यहाँ पे आएगा खुश हो के जाएगा, क्योंकि नॉर्मल खाने में मेकिंग आपने देख ही ली होगी, कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं कहूँगा कि कुछ बहुत ही अलग कर दिया, लेकिन हाँ टेस्ट बहुत अच्छा है और आपको डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। तो भाई 6 बजे से टाइमिंग स्टार्ट होती है चकना की, 7 डेज ओपन है, 6 से 10:30 तक है रात के। यहाँ पे UPI पेमेंट आप हर तरीके से पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। कभी शालीमार बाग आते हैं, मैं स्पेशली तो नहीं कहूँगा, बट कभी शालीमार बाग आप आते हैं, तंदूरी खाने का मन करता है, तो डेफिनेटली ये आप रिकमेंड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और अच्छी वीडियो में दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।